नमस्कार दोस्तों, आईटी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गांधी.net से अपने ब्लॉगर को कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि सब ने अपने जैसे क्या हो रहा है कि अपना जो डोमेन है उसको ब्लॉगर से जैसे कनेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने कर लिया, लेकिन क्या होता है वो लाइव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मैंने इसका ट्रबल शूट, इसका मतलब जो बहुत ट्रबल शूट, जो 3 दिन से परेशान था, तब जाके मुझे इसका सॉल्यूशन मिला। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन कैसा है। तो आप जानते जा रहे यूट्यूबर को पता ही कि ब्लॉगर से कोई भी डोमेन को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हम जाते हैं DNS रिकॉर्ड में। ठीक है, तो DNS रिकॉर्ड में क्या करते हैं, हम पहले सीनियर में ऐड करते हैं। देखिए मैंने एक सीनियर में ऐड किया और ये दूसरा सीनियर में ऐड किया और 4 IP डालते हैं, इतना तो सबको पता है। मेन प्रॉब्लम आ रही है गांधी.net से ब्लॉगर कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू डालते हैं, देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको डॉट डालना है। ठीक है, ये आता है, ये .net, इसमें डॉट डालिए और देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो इसमें दोबारा क्लिक कीजिए नीचे। जैसे हम इसको डॉट हटाते हैं तो ये बोलता है कि ए डोमेन एंट्री यूजली एंड विद डॉट, ये डॉट के साथ ही एंड करना है, नहीं तो ये नहीं होगा। तो देखिए मैं डॉट के साथ एंड किया, फिर जाके अपडेट किया, तब जाके ये थोड़ी देर लगता है, आधे घंटे 45 मिनट, उसके बाद ये अपडेट हो जाता है और ये फिर आपके ब्लॉगर से कनेक्ट होता है। देखिए अभी मेरा ब्लॉगर लाइव हो गया है, ये देखिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।